पीएम मोदी ने कोरोना संकट के मद्देनजर जिस विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है उसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री के मुताबिक अब देश मेड इन इंडिया के तहत कई तरह के रक्षा उपकरण अपने देश में ही बनाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान करते हुए कहा कि सरकार ऐसे हथियार, वस्तुओं, स्पेयर्स को नोटिफाई करेगी जिसमें आयात को बैन किया जाएगा और उनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए अलग से बजट दिया जाएगा। इससे रक्षा आयात खर्च होगा और उन कंपनियों का लाभ होगा जो भारत में सेना के लिए हथियार बनाएंगी। इसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा, आम लोग इसके शेयर खरीद सकेंगे। रक्षा उत्पादन में FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किया जा रहा है। ऑब्जर्वर जॉन ब्यूरो।